हाय एवरीवन, सो क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज की वजह से आपकी नर्व्स का जो फंक्शन है वो डैमेज हो सकता है। नर्व्स जो हमारे सारे बॉडी पार्ट को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है और हमारे मूवमेंट में या सेंसेशन में हेल्प करती है फील करने में, वो डैमेज हो सकती है डायबिटीज की वजह से। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायबिटिक न्यूरोपैथी। सो हाय, आई एम डॉक्टर सकीना त्यागी और आज हम बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में एंड वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इट डज टू द नर्व्स एंड उसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसकी इफेक्ट को। नाउ डायबिटीज मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल होते हैं। जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा होने लगते हैं उसकी वजह से नर्व्स डैमेज होती है और नर्व का फंक्शन डैमेज होता है तो उसकी वजह से हमें सेंसेशंस में प्रॉब्लम होती है। लाइक टच का सेंसेशन हमारा कम हो जाता है, पेन का सेंसेशन हमारा कम हो जाता है, हम टेम्परेचर जो गर्म ठंडा है वो डिफर करने में चूक जाते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा डैमेज आपको होता है तो उसकी वजह से हमारे मूवमेंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जाके मे बी पैरालिसिस हो सकता है, आइदर वन साइड का पैरालिसिस, वन पार्ट ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस या बोथ साइड्स पैरालिसिस हमें हो सकते हैं। मोस्टली जो पैरालिसिस हमें देखने को मिलता है वो मोस्टली लोअर लिम का हमें देखने को मिलता है। सो नाउ डायबिटिक न्यूरोपैथी इज बेसिकली फोर टाइप्स: ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, मोनोन्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसमें क्या होता है कि हमारे जो नर्व्स है हैंड्स और हमारे फीट के, वो सबसे पहले डैमेज होते हैं। आपको टिंगलिंग जैसे झंझनाहट या नमनेस फील होती है, ऐसा लगता है कुछ वहाँ फील ही नहीं हो रहा है, या फिर धीरे 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 वो इतना बढ़ता है कि आपको पेन भी फील होना बंद हो जाता है एंड समटाइम्स ड्यू टू बहुत सीवियरिटी के टाइम वजह से बर्निंग पेन, जैसे एक अबनॉर्मल सेंसेशन है, एक बर्निंग पेन आपके हैंड्स और फीट में आपको मिल सकता है। आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई एंड स्केली हो जाती है। सेकेंडली, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉकिंग एंड ग्लव टाइप ऑफ सेंसेशन इन योर हैंड्स एंड योर लेग्स। नाउ व्हाट इज दैट? That is, you start losing your sensation. आपके जो sensations है वो आपके hands में, जो upper limb में है, पहले hands से हो जाते हैं खत्म, तो धीरे 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 वो proximal यानी ऊपर की तरफ जाते हैं। Similarly in your feet, वो पहले feet में defective होते हैं फिर आगे जाके ऊपर बढ़ते रहते हैं। So now we will be talking about autonomic diabetic neuropathy. Now autonomic diabetic neuropathy is somewhere related to your autonomous nervous system, जो आपके bladder और bowel को control करता है। तो इसकी वजह से हमें stress incontinence होता है। Now what is stress incontinence? Stress incontinence वो है कि हम जब urinate करते हैं तो हमारे pelvic floor के muscles relax होते हैं, जो हमें urinate करने में help करते हैं। But you know when we want to stop urinating, as in हमें कोई बाजू जाना है, we are trying to control the urine, तो वो निकलता नहीं क्योंकि हम अपने pelvic floor muscles को बहुत ज़्यादा tight करके रखते हैं ताकि हम dribbling of urine ना हो। But sometimes आप देखते हो कि आप छींक खाते हो या ज़्यादा हंस लेते हो या खांसते हो तो उसकी वजह से थोड़ा urine जो है pass हो जाता है और ये बहुत common होता है जिनको बहुत diabetes, high level of diabetes रहती है। सो ऑटोनॉमस डायबिटिक न्यूरोपैथी में आप ये देख सकते हो। मोनोन्यूरोपैथी, दैट इज मोनोन्यूरोपैथी ड्यू टू डायबिटीज, इज बेसिकली लूजिंग द सेंसेशन ऑफ योर विजन एंड विजुअल में प्रॉब्लम्स हो सकती है और फेस का पैरालिसिस आपको देखने को मिल सकता है। नाउ किन में ये ज्यादा प्रॉब्लम दिखेगी वो है कि जो पेशेंट्स जिनको हाई लेवल ऑफ शुगर रहता है, डायबिटिक्स बहुत टाइम से है पर अनकंट्रोल्ड है, या कोई भी टाइप का डाइट नहीं ले रहे जो उनको रेकमेंड किया गया है और वो शुगर वाले फूड्स और डाइट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कौन सी टाइप की एक्सरसाइजेस आपके लिए बेनिफिट होगी और डायबिटिक न्यूरोपैथी को वो रिवर्स करने में हेल्प कर सकती है या मेनटेन करने में हेल्प कर सकती है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं? फर्स्ट इज ट्राइसेप्स का स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो, अपने हैंड को इधर रख के दूसरे हैंड से ऊपर पुश करना है। यू माइट फील द स्ट्रेच, काउंट टिल 30 एंड देन रिलीज।
then you can keep and stretch back. You can ask someone कि वो पीछे से आपके elbows को और पीछे की तरफ खींच सकते हैं. Then आप अपने trapezius का भी stretching कर सकते हैं by keeping your hand like this and going for the stretch. You can go for this. You can go for calf stretching. एक दुपट्टा लेके आपको खींचना है अंदर की तरफ. Then you have to go for hamstring stretching, जिसमें आपको fully lying flat होना है, and then you just have to go for this stretch. आपको याद रखना है कि आपका knee straight हो और दूसरे पैर का भी knee straight हो. So back के लिए आपको you can go for side bending stretch both the sides and forward bending stretch. So these are the some stretches we have talked about. अब हम exercises के बारे में बात करेंगे. Basic exercises करेंगे हम, जिसमें आपको पहले है heel से आपको नीचे press down करना है. Again please remember, please lie down flat and go for this exercises. First then knee के नीचे रखेंगे and press from the knee, count till 10, that is a 10 second hold and relax. Count till and relax. Then both the knees bend and you are in lying position, मतलब आप completely अपने back पे हो, flat soled हो और आपकी knees bend है और दोनों knees के बीच में तकिया है and you have to press. You have to hold it till 10 counts and relax. ऐसे आप ये कर सकते हो. उसके बाद है the other exercises, take your knee up alternatively. एक ये है, then lie down flat again with your knees bent and आपको अपने hip से उठाना है. Bridging exercise, you have to hold it till 10 and then relax. So these are some of the exercises that are can do in the lying position. बैठ के आप exercises में knee से अपना leg straight कर सकते हैं for a repetition of 10. Then hip से आप ऊपर की तरफ लेना है. Okay, in standing position you can go for these kind of stretches जो आपके spine के लिए बहुत सही रहेंगे. You have to hold it for 30 seconds. And please make sure आपके knees bend ना हो. Then for your abdominal muscle stretching, पीछे की तरफ आपको move होना है. Again count till 30 and relax. Then आपके और क्या exercises कर सकते हैं? That is marching. पकड़ के अपने side leg को raise करना है. Then again पकड़ के आगे की तरफ रेस करना है. As you are able to do, तो इसमें आप वेट्स ऐड करके वो एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं. एरोबिक एक्सरसाइजेस आर आल्सो वेरी गुड फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी और उसमें स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, वो सब भी आप डेफिनेटली पूरे अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं. देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम विद डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट्स कि उनके बैलेंस में भी बहुत इश्यूज आते हैं. तो बैलेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हो. आप पहले एक पहला ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट रखिए और किसी को बोलिए कि आपको अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में टारगेट्स दे और आपको वो टारगेट्स को टच करना है. सिमिलरली जब आप इस पोजिशन में कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप अपने फीट को थोड़े और पास में ला के वही टारगेटिंग एक्टिविटीज कर सकते हो. Then you can go for one leg standing. अगर आप पहले एकदम comfortable ना हो तो definitely आप एक chair का support ले सकते हो and then you can go for one leg standing each on individual side. And धीरे 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 आप अपना support कम कर सकते हैं. Then अगर सीढ़ियाँ है आजू बाजू
वो आप कर सकते हो एंड दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन और डू सम काइंड ऑफ बैलेंस एक्सरसाइजेस एट होम. सो दीज आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी. होप यू हैव लाइक द वीडियो. होप द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन शेयर्ड टू यू has been beneficial to you or would be beneficial to you. If you have any queries regarding diabetic neuropathy, you can write it in the comments section. Please like and subscribe to Your Physio.